हाई बेसिसिटी ऑफ Me2NH रिलेटिव टू Me3N इज एट्रीब्यूटेड टू। अब यहाँ पे हमें देखना है बेसिसिटी 2 डिग्री अमीन की क्यों ज्यादा होती है 3 डिग्री अमीन के केस में। यदि हम लोग गैसियस फेज में बात करते हैं, गैसियस फेज में यदि हम एमीन्स की बेसिसिटी को देखते हैं, ठीक है, बेसिसिटी ऑफ अमीन्स, ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एमी, ठीक है, यहाँ पे पड़ा आना चाहिए, कैपिटल एम हम लोग लिखेंगे, ठीक है। शेप से तो कोई फर्क इसका पड़ने वाला नहीं है, तो ये तो वैसे ही क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए, दोनों ऑप्शन क्या हो गए, एलिमिनेट। हमें ए और बी में देखना है, तो गैसियस फेज में यदि हम एमीन्स की बेसिसिटी देखते हैं तो सबसे ज्यादा होता है 3 डिग्री, देन फिर 2 डिग्री, देन फिर 1 डिग्री, देन फिर अमोनिया। और यदि हम यहाँ पे देखें इसमें एक्वस फेज में, एक्वस फेज या फिर हम सॉल्यूशन में इसका देखें आंसर, सॉल्यूशन में किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में दिया हुआ हो सकता है, तो यदि आपको आग बराबर क्या दिया हुआ है, सीएसवी दिया हुआ है, तो इसका जो ऑप्शन होता है वो क्या होता है, 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन 1 डिग्री, ठीक है। और यदि आपको आग बराबर सीएसवी नहीं दिया है, आग बराबर यदि आपको क्या दिया हुआ है, कोई इथाइल ग्रुप दिया हुआ है, तो उसकी बेसिसिटी का जो ऑर्डर होता है 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, इंडक्टिव के हिसाब से नहीं देखना है, हमें किसके हिसाब से देखना है, सॉल्वेंट के हिसाब से देखना है। तो यदि इफेक्ट सॉल्वेंट के हिसाब से देखें तो ये वाला ऑर्डर हमारा करेक्ट आता है। और आप लोग देख सकते हैं कि Me2H जो है वो कौन सा अमीन है, 2 डिग्री अमीन है, 2 डिग्री अमीन है, जबकि ये Me3N जो है वो कौन सा अमीन है, 3 डिग्री अमीन है। तो एक्वस फेज में या सॉल्वेंट फेज में, ठीक है, और सॉल्वेंट फेज में कोई सा भी सॉल्वेंट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वाटर ही हो, और भी सॉल्वेंट हो सकते हैं। तो सॉल्वेंट फेज में यदि हम लोग देखें तो Me2NH, Me2NH को हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं, Me, NH और Me, ठीक है। ये ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, 3 डिग्री जो नाइट्रोजन आपको दिया हुआ है उसके केस में। तो यहाँ पे ये कौन सा है, 2 डिग्री अमीन, और ये कौन सा है, 3 डिग्री अमीन, और यही ऑर्डर मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है, इसलिए हमें इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट के हिसाब से यहाँ पे हाई बेसिसिटी निकालनी है।